अभी 5 मिनट पहले मैंने फैसला किया कि भाई इसका भी ब्लॉग बनना चाहिए और आप लोगों को ये जगह के बारे में और इस फूड डिश यानी वड़ा पाव इंडियन फूड डिश के बारे में बताना ज़रूर चाहिए। खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो भाई आज का जो ब्लॉग है वो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है कि हम अपने दोस्त के घर से आ रहे थे और हमने देखा रास्ते में एक बोर्ड, वो बोर्ड देखो अब वो बोर्ड पड़ा, हमने देखा भाई वड़ा पाव यार, ये जो इंडियन फूड है और हमने सिर्फ ड्रामों में और फिल्मों में ही नाम सुना, लेकिन अब पाकिस्तान में आप समझ में अवेलेबल है बड़ा माँ भी खाने जा रहे हैं बड़ा पाव। पहले फर्स्ट सॉस स्टार्टिंग है, भाई ये हमारा वड़ा पाव हो गया, अब इस इंडियन फूड को टेस्ट करेंगे और फिर आपको बताएंगे। तो भाई बेसिकली एक आलू की टिक्की है जिसे ये वड़ा कहते हैं और पाव ये बन है, पता इसको भी कुछ नहीं, ये आपका वड़ा पाव। तो भाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और बहुत ही स्पाइसी था, मिर्चों वाला था, लेकिन खाने में बहुत ही अलग मज़ा आ रहा है। भाई हम लोग गुजर रहे थे रास्ते से और अरमान की नज़र पड़ी एकदम से स्ट्रीट कुजन पे और जब हमने उसका वड़ा पाव ट्राई किया तो भाई लेवल का एकदम, और अरबल और मैं तो अब दुआएं ही दे रहे हैं इसको कि भाई क्या वड़ा पाव खिलाया, सीधी बात दुआएं दुआएं। आप है ना यहाँ पे आओ ना, तो भाई ये वड़ा पाव है ना 40 रुपये का है, 40 रुपये इसकी कीमत है और जो जायका है ना वो लाखों वाला, समझ लें आप लाखों वाला। और लेकिन एक खाने से मसला ये कि भाई हमारा तो एक खाने से पेट नहीं भरा, ना मेरा ना उबैद का ना अरबल का, किसी का भी एक खाने से पेट नहीं भरा। तो हमने तो दो दफ़ा मंगाया, देख ले भाई ना इसका भरा ना इसका भरा। तो हमने तो अपने ना एक और ऑर्डर कर दिया, अभी आप पे हैं, अब आप आओ। तो भाई अभी अभी हमने पता चला है कि भाई यहाँ पे फ्राइज भी हैं, तो सेकंड ट्रिप का जो वड़ा पाव है हमारे वो आ गए हैं, अब फ्राइज की वेटिंग हो रही है, वेटिंग में ही बैठे हुए हम तो भाई। तो भाई हम खाते हैं बचपन से बहुत स्पाइसी, सादी चीज़ मज़ा नहीं आता, एक मिर्च। और एक हमारे हाथ का चैलेंज, डबल मिर्च। भाई ये यहाँ पे यहाँ के वो हैं ओनर है स्ट्रीट क्यूजन के, और ये बताएंगे भाई ये यूनिक सा आइडिया है इनके दिमाग में कैसे आया। अरे ये हम लोग बाहर मस्कत में काम कर रहे थे इंडियन लड़कों के साथ ना, उनके साथ बाहर निकलते थे, वो लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, खाते थे, उन्हीं की संगत में बैठ बैठ के अच्छा लगा, ट्राई किया, यहाँ आके बनाया, लोगों को अच्छा लगा, तो उस वजह से ये मस्कत में थे वहाँ से आए। भाई हमने यहाँ पर ट्राई किया और बहुत ही मज़े का था, मैं बोलूँगा कि भाई आप लोग भी यहाँ पे आओ और ज़रूर ट्राई। और भाई अगर आप लोगों को ट्राई करना है तो यहाँ का जो रास्ता है ना वो आप अगर गार्डन जू से सीधा आएंगे तो यहाँ का रास्ता है, और अगर आप लसबिला से आएंगे तो लसबिला से भी सीधा रास्ता है यहाँ से। खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए।